यहाँ पे हमने नहीं सर्विस दी है पूरे हिंदुस्तान में। जी जी आप देख सकते हैं विदेशी भी आते हैं। अच्छा जी, कर दोस्तों, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं ग्वालियर फूडी। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो पूरे हिंदुस्तान घूमने के बाद फाइनली आज मैं आ गया हूं मथुरा की गलियों में, जहां पर हमें पता चला है कि मथुरा में एक शॉप है जिसका नाम है हरिमोहन हाथरस वाले, जो कि 1978 से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 पीढ़ी हो चुकी है सेवा करते करते। यहाँ का एड्रेस मैं आपको बता दूँ कि चौक बाजार मथुरा, शुद्ध देसी घी का यहाँ पे आपको आइटम देखने के लिए मिलेगा। सबसे फेमस जो इनकी चीज़ है वो पराठा बताई जाती है। यहाँ पे 2.5 किलो तक के पराठे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो पराठा है उसको बनाने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से शुरू होती है। सबसे पहले जो पराठा है उसको, उसका भी आटा मैदा जो भी इसके अंदर ये डालते हैं उसको माड़ लिया जाता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से पराठा बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पराठे आपको देखने को मिलेंगे। जो पराठों का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, जिसकी वजह से एक आदमी तो इनका सबसे बड़ा साइज़ खा भी नहीं सकता। तो एक बार हम भैया से पूछ लेते हैं इनके पराठे के रहस्य के बारे में, ये कब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। जी, मेरा नाम ब्रजमोहन वासने है। जी, तो कितना टाइम हो गया आपकी दुकान को यहाँ पे? दुकान को भैया 1978 से है यहाँ पे। 1978 से है, मतलब आपने खोली थी, आपके पापा ने, दादाजी ने? दादाजी और दादाजी ने। अच्छा, इनकी 3 पीढ़ी हो गई आपको? जी सर, आप देख सकते हैं 3 पीढ़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है यहाँ पे सेवा करते करते। और भैया, एक पराठे का मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ा साइज क्या है? इससे कम से कम 2 से 2.5 किलो के लमसम है। अच्छा, एक पराठे का जो साइज है वो सबसे बड़ा पराठा 2 से 2.5 किलो का है, यानी कि एक इंसान तो इसको खा भी नहीं सकता। भैया, अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा आया जिसने पूरा 2.5 किलो का पराठा खा लिया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं भाई। अभी तक कोई भी नहीं? अभी तक तो नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसने पूरा 2.5 किलो का पराठा खा लिया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप 2.5 किलो का पराठा खा सकते हैं, तो एक बार इनकी दुकान पर जरूर आए, इस चैलेंज को एक्सेप्ट रहती है। भैया, वजन से मिलता है। अच्छा, ये 50 रुपये का 100 ग्राम। 50 रुपये का 100 ग्राम, सारी प्रिपरेशन देसी घी में है। तो जो 2.5 किलो का पराठा आप सबसे बड़ा बनाते हैं उसका प्राइस क्या रहता है भैया? ये वजन से ही है भैया। हाँ, 50 रुपये का 100 ग्राम। तो 50 रुपये का 100 ग्राम पराठा आपको यहाँ पे खाने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो कि 2.5 किलो तक के पराठे की कीमत क्या रहती होगी। तो कुछ इस तरीके से पराठे को यहाँ पे सेका जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में साफ साफ। सबसे पहले पराठे को उठाया जाता है। इतना बड़ा पराठा उठाने अपने आप में एक चैलेंज है, और इतना बड़ा पराठा उठाने के बाद उसको तवे तक पहुँचाना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम हो सकता है, क्योंकि तवे में आपको देसी घी मिलेगा। गर्म देसी घी अगर आपके ऊपर गिर जाए तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा रिस्की काम है। तो अब आप देख सकते हैं जो पराठा है वो सेकना चालू हो गया है। अब देखते हैं कितनी देर में। ये उड़द की दाल है, तो आप देख सकते हैं भगवान के अंदर आपको उड़द की दाल देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रही है। बाकी तो खा के पता चलेगा इसका स्वाद कितना ज़्यादा अच्छा है। भैया, ये कौन से लड्डू हैं? ये चूरमा लड्डू भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये शायद बेसन के लड्डू होंगे। भैया, ये लड्डू है, ये बेसन लड्डू हैं। और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, मूँग का हलवा भी देखने के लिए मिल जाएगा। पराठों के साथ साथ समोसे, टिक्की और ऐसी चीज़ें भी भैया यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, यानी आपके पास ऑर्डर वगैरह भी आता होगा? जी जी जी। अच्छा, कितनी दूर दूर से ऑर्डर आ जाता है? भैया देखो, ऐसा कोई कोना नहीं है यहाँ पे, हमने नहीं सर्विस दी है पूरे हिंदुस्तान में। जी जी, आप देख सकते हैं विदेशी भी आते हैं। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है भैया। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरे देश से यहाँ पे ऑर्डर आते हैं, और ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी भैया के पास ऑर्डर आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ। मथुरा का जो चौक बाज़ार है वहाँ पर आपको शॉप देखने के लिए मिल जाएगी, जिसका नाम है हरिमोहन हाथरस वाले, जो कि 1978 से सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। भैया, यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है शॉप खुलने की और बंद होने की? भैया, सुबह साढ़े सात बजे से 11 बजे तक सुबह बेड़ी कचौड़ी जलेबी। अच्छा। और दोपहर 1 बजे से रात के 9:30 बजे तक दाल बाटी पराठा। अच्छा, तो आपने सुनी लिया होगा। बाकी यहाँ का जो एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी मथुरा आते हो तो एक बार भैया की शॉप पर जरूर विजिट करना, और जितना भी स्वादिष्ट खाना यहाँ पे बनाते हैं वो उसका एक बार सेवन जरूर करना। और आपको इस तरह की प्रिपरेशन कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे और उससे भी अच्छी बात, इसमें किसी भी तरह की प्याज लहसुन का यूज नहीं होता है। ये यहाँ पे ठाकुर जी को प्रसाद लगता है, मथुरा नगरी है यहाँ पे। भैया पहले, सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाते हैं, उसके बाद में खुद खाते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, आइटम ले लीजिए। उस तरफ तो पराठा सिक रहा है और इस तरफ आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो बाटी है वो भी बनाई जा रही है। कुछ इस तरीके से भैया अपने हाथों से इसको रोल सा कर रहे हैं। रोल करने के बाद इसको कढ़ाई में काफ़ी नरमल तरीके से डाला जा रहा है। धीमी आंच पे जो तेल है वो थोड़ा सा उबल रहा है, उसके बाद जो इसका टेस्ट है वो प्योर और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्ट निकल के आने वाला है। तो हम देख सकते हैं हमारे साथ एक कस्टमर जुड़ गए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उनको यहाँ का पराठा कैसा लगता है। भैया आप यहाँ पे कब से आ रहे हो पराठा खाने के लिए? मैं यहाँ से करीब को 3-4 महीने से आ रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा, पराठा बहुत स्वाद लगता है यहाँ का। अच्छा, राजस्थान के रहने वाले जब भी पराठे का मन करता है इधर ही आते हैं, बाजार में काम करा के खाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो पराठा है वो ऑलमोस्ट सिक चुका है। जो ब्राउन कलर हमें देखने के लिए मिलता है फास्ट फूड के अंदर वो इसके अंदर आ चुका है। और आप देख सकते हैं तलाई शुद्ध देसी घी में नहलाने के बाद पराठे का जो कलर है वो क्रंची ब्राउन हो चुका है और पराठे के तैयार हो चुका है। जो सर्व करने का तरीका है वो आप लोग वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। पराठा जो है वो तौल के दिया जाता है, तौलने के बाद इसको एक जो दोना है उसके अंदर डाल दिया जाता है। सबसे बड़ी बात अन्नकूट की सब्जी है इसके साथ और आलू का झोल, वो आपको दिखाता हूँ। बता दीजिए भैया कि जो जो सब्जी है एक बार बता दीजिए। अन्नकूट की सब्जी है, इसमें सारी सीजन की सारी सब्जी मिलेंगी। अच्छा, हेल्दी। ये आलू का झोल है हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं इतना लजीज पराठा अब सब्जी के अंदर डूब चुका है और पूरा तैयार होने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। और इसमें कई तरीके की सब्जियां, 2-3 तरीके की सब्जी हैं। हमारा एक साथी इसको टेस्ट करके हमें भी बताएगा कि इसका जो स्वाद है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। दिखने में जितना ज़्यादा सुंदर है स्वाद भी उतना ज़्यादा बेटर है या नहीं, आइए पूछते हैं अपने ही एक साथी से। जो बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अब हमारे साथी ने ले लिया सब्जी में डुबा के। तो आपको ये पराठा खाने में कैसा लगा सर, थोड़ा सा बताएँगे? बहुत अच्छा स्वाद है, थोड़ा क्रंची टाइप है तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका और सब्जी डली ऊपर से उनका भी बहुत अच्छा स्वाद है। तो पराठा ज़्यादा पसंद आया कि सब्जी? पराठा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपको लगता है कि ये जो भी पराठा बना है वो शुद्ध देसी घी में बना है? बिल्कुल बिल्कुल, देसी घी से बना हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना और जब भी मथुरा हो तो भैया की दुकान पे एक बार जरूर विजिट करना, उनका जितना भी आइटम है उसका सेवन जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।